उस लिंक पे क्लिक करते ही आपका चैनल आपके हाथ से चला जाएगा और पूरा उनके कंट्रोल में आ जाएगा, वो फिर कुछ भी कर सकते हैं उस चैनल से। हेलो एवरीवन, तो मैं आज आपसे अपना एक रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो क्या हुआ मेरे साथ, मतलब आजकल शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता तो आजकल क्या चल रहा है, मतलब कुछ मतलब बोट्स के थ्रू ना लोग, हैकर्स की टीम है वो कमेंट करती है, जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं ना 10,000 से नीचे, तो वो उन पे कमेंट करते हैं अप्रिशिएट करने के लिए उनको। तो जैसे न्यू क्रिएटर है कोई, वो खुश हो जाएगा, जैसे मैं अभी हुआ था, मेरी वीडियो पे कई वीडियोस पे कमेंट आया तो मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि धीरे धीरे मतलब एक्सप्लोर किया कि ये नाम अजीब लग रहे हैं या रिपीटेड है, हर वीडियो पे आता है इनका कमेंट, तो मैंने देखा तो मेरे को पता लगा कि ये कोई इंसान नहीं है, ये बोट है, सिर्फ इनका एक ही मोटिव हैक करना। और ये तीन तरह से हैक कर सकते हैं हमारा चैनल। फर्स्ट तरीका जो, वो कमेंट में हमें मतलब अप्रिशिएट करेंगे तो हम इनको रिस्पोंड करेंगे, या फिर छोटा क्रिएटर होता है जो, वो देखता है ये तो बहुत ज़्यादा फेमस बंदा है, 2-4 लाख वाला है, तो उसको जाके सब्सक्राइब कर देता है सीधा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखें कि सब्सक्राइब नहीं करना हमें। और दूसरा तरीका ये है कि मतलब वो हमें ऑफ़र करेंगे कि हम आपको इतने सब्सक्राइबर दे सकते हैं, इतने लाइक्स दे सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल नहीं मतलब आना उनके उसमें, क्योंकि उनका यही है। उसके बाद वो आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे या हमारे ऑफर्स तक जाने के लिए लिंक है, लेकिन अगर आप उसी टाइम उस लिंक पे क्लिक करते ही आपका चैनल आपके हाथ से चला जाएगा और पूरा उनके कंट्रोल में आ जाएगा, वो फिर कुछ भी कर सकते हैं उस चैनल से। तो मेन तो यही है, जैसे किडनैपिंग में होता है, अगर आपको नहीं पता हैकिंग वगैरह, तो किडनैपिंग में जैसे होता है कि किडनैप करके फिर पैसे मांगते हैं, इसमें भी सेम ऐसा है, कहेंगे कि आपका चैनल हम हैक कर लेंगे, उस पर फिर ये कुछ भी ऐसा पा सकते हैं, कुछ भी गलत चीज़ पा सकते हैं कि जो YouTube की पॉलिसी को वॉयलेट कर रही हो। तो फिर इसलिए प्लीज़ ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई ना करना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन कमेंट्स के नाम जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। कुछ IDs, कुछ अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स में से पहला नाम है टॉम, दूसरा टोड, तीसरा द कॉमिकल कॉमेडियन टाइलर, और लास्ट है सब टू सब करके कुछ है, जाइमर ट्रैक सब टू सब। तो ये नाम है, अगर इनसे आपको कोई आता है ना कमेंट, तो पहली बात तो उनको रिस्पॉन्ड ही ना करो, और दूसरी भी प्रिकॉशन ये है कि आपने बिल्कुल भी जो कमेंट आएगा उसको, मेन जो आपकी ID है, YouTube ID है, उसको आपने कभी भी पासवर्ड नहीं सेव करके रखना, उसका पासवर्ड कभी नहीं सेव करके रखना अपने क्रोम में या फिर किसी भी चीज़ में, क्योंकि अगर पासवर्ड सेव करके रखोगे तो आपके हैक होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप लिंक करोगे आपकी उसी ID से ही खुलेगा और उनके पास उसका एक्सेस चला जाएगा पूरा, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं तो स्टार्टिंग में बड़ा खुश हुआ, सच बताऊँ, मैंने देखा कि मतलब इतने बड़े अकाउंट से आया मेरे को रिप्लाई और इतना पॉजिटिव रिप्लाई आया, तो बढ़िया। मैंने क्या किया, मैंने रिप्लाई किया उन्हें, थैंक यू, उनके कमेंट लव रिएक्ट किया। तो फिर उसके बाद जब मुझे पता लगा, पहले मैंने इग्नोर किया, लेकिन कई बड़े क्रिएटर हैं जिन्होंने इस चीज़ के बारे में अवेयर किया, तो फिर उसके बारे में मेरे को पता चला, तो मैंने साथ के साथ अलग मतलब डिलीट किया अपने रिप्लाई उनके साथ। और उसके बाद मैंने आज चेक किया, आपको दिखाता हूँ जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि ये जो चैनल है ना अब रिमूव हो चुके हैं, मतलब या तो कह लो इनको रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, या फिर कुछ भी ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा हुआ है जिसकी वजह से रिमूव हो गए हैं, तो अब मेरे को शो नहीं कर रहे ऐसे चैनल। और ये आपकी इनकी पहचान ये है, जब आप खोलोगे इन चैनल्स को तो इन पर सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा होंगे, लेकिन इनके जो कंटेंट होएगा बहुत थोड़ा होएगा, या कंटेंट होएगा तो ऐसा होएगा कि सब्सक्राइबर फ्री में कैसे गेन करें, लाइक्स फ्री में कैसे गेन करें, तो फिर मतलब यही है इनका। बाकी थोड़ा केयरफुल रहो इन चीज़ों में, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है तो थोड़ी सिक्योरिटी यूट्यूब की थोड़ी कम है, क्योंकि आज मतलब वायरस की वजह से लोग नहीं जा पा रहे, तो इसलिए वो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है उनका भी। बाकी यार, कई दिनों से मैं एक बात कहना चाह रहा था आपको, तो वो बात ये है कि पिछले कई दिन से मैं देख रहा हूँ वीडियो पे ना, कई वीडियोस पे एक या दो ना डिसलाइक आ जाते हैं मेरे, तो वो डिसलाइक मैं नहीं कहता कि ना करो या डिसलाइक करो, आपका आपको अच्छा लगा कंटेंट लाइक करो, नहीं लगा डिसलाइक करो,
लेकिन डिसलाइक के साथ यार प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, फीडबैक ज़रूर छोड़ दिया करो, क्योंकि वो फीडबैक छोड़ने से मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा कि आपको जो गलत लगी चीज़ अगली बार ऐसा मेरे से गलती ना हो, उसको मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। बाकी यार आपका लाइव मेरे लिए लाइक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो कुछ, तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। तो बेसिकली आज की वीडियो सिर्फ यूट्यूब अपना क्रिएटर्स के लिए थी और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थी। मैं बहुत डर गया था जब हुआ ऐसा, तो प्लीज़ बाकी लोग ना डरें, रिस्पॉन्ड नहीं करना हमने, और बिल्कुल भी अपनी आईडी लॉगिन करके रख, लॉगिन मीन्स पासवर्ड सेव करके रखना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।